चलो देखा जाए। अब हम लोग को पढ़ना है लिमिट ऑफ द फॉर्म 1 to the power infinite। ठीक है, एक्सपोनेंशियल लिमिट हम लोग पढ़ लिए, उस पर क्वेश्चन भी कर लिए। अब हम लोग को पढ़ना है लिमिट ऑफ द फॉर्म, इवेल्युएशन ऑफ द लिमिट ऑफ द फॉर्म 1 to the power infinite के फॉर्म में जो लिमिट होगा उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो ये हम 1 to the power infinite वाला लिमिट को हम लोग को सॉल्व करना है। जैसे ये 1 to the power infinite, ठीक है, तो अगर कोई भी लिमिट इस फॉर्म में होगा तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखो। ठीक है, कोई भी लिमिट हो इस फॉर्म में होगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको ध्यान से देखा जाए। ठीक है, तो ये रूल बता दे रहे हैं, उसका प्रूफ भी है रूल का, लेकिन आप लोग देखिए ये रूल बता दे रहे हैं, दोनों तरफ लॉग लेकर प्रूफ किया जाता है, लेकिन इस रूल को समझा देते हैं। देखिए इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखा जाए क्या दिया है, देखना इसमें अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स का वैल्यू 1 हो, मतलब अगर कोई फंक्शन है उसका एक्स इक्वल टू ए पर लिमिटिंग वैल्यू 1 है और एक दूसरा फंक्शन जी एक्स है इसका उसी पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पर लिमिटिंग वैल्यू इनफाइनाइट है, मतलब एक फंक्शन एफ एक्स है उसका एक्स इक्वल टू ए पर लिमिटिंग वैल्यू क्या है 1 है और उसी पॉइंट पर जी एक्स का लिमिटिंग वैल्यू क्या है इनफाइनाइट है, तो एफ एक्स का पावर जी एक्स का लिमिटिंग वैल्यू उसी पॉइंट ए पर क्या हो जाता है। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, बच्चे लोग ध्यान से सुनो, जी एक्स को आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं और एफ एक्स में से एक घटा देते हैं और जो आता है उसको ई के पावर में लिख देते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, देखो एग्जाम्पल से एग्जाम्पल हम ध्यान देते हैं, इस एग्जाम्पल को समझा जाएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। अब तुम लोग को याद होगा हम ऑलरेडी इनफाइनाइट सीरीज पढ़ा चुके हैं, अल्जेब्रिक लिमिट में इनफाइनाइट सीरीज पढ़ा चुके हैं, उसमें थोड़ा तुम लोग को पता होना चाहिए। देखो लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, अगर मान लो कि एक्स का एक्स प्लस सिक्स है बाई एक्स प्लस 1 है, इसका वैल्यू देखना चाहते हैं, इसमें हाई फंक्शन है एफ एक्स, ये क्या है देखो ये एफ एक्स है, हाई क्या है एफ एक्स, एक्स प्लस सिक्स बाई एक्स प्लस 1 ये क्या है एफ एक्स, और जी एक्स कौन है ये जी एक्स, जो बेस में फंक्शन है उसको एफ एक्स बोल रहे हैं और जो पावर में फंक्शन है उसको क्या बोल रहे हैं जी एक्स बोल रहे हैं, तो जो एफ एक्स फंक्शन है ये इतना है। तो देखो ऊपर का डिग्री 1 और नीचे का भी डिग्री 1, ये तो इसका आंसर, इसका कोफिशियंट 1, इसका कोफिशियंट 1, तो 1/1 यानी 1 आंसर, इसका आंसर 1, तो यानी एफ एक्स का लिमिटिंग वैल्यू कितना 1 जैसे है तो 1 नहीं आ रहा है क्या। चलो अब इसमें इनफाइनाइट पुट करोगे जी एक्स में तो इनफाइनाइट प्लस 4 इनफाइनाइट, तो 1 का पावर इनफाइनाइट के फॉर्म में है कि नहीं है, अरे नहीं समझ में आया। देखो कहने का मतलब बेस वाला फंक्शन क्या है एफ एक्स, अब पावर में जो फंक्शन है वो क्या है जी एक्स बोले है ना, तो बेस वाला फंक्शन में अगर इनफाइनाइट पर निकाला जाए लिमिट इसका बेस वाला फंक्शन का, तो लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट लिखे ना जी, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट एक्स प्लस सिक्स बाई एक्स प्लस 1, तो ये इनफाइनाइट है तो ऊपर का डिग्री नीचे का डिग्री सेम है, तो इसका कोफिशियंट 1 इसका कोफिशियंट 1, तो 1/1 1 आंसर, कितना आंसर जी 1 आंसर। अब कहने का मतलब ये है कि इसका वैल्यू 1 आ गया, इसका वैल्यू क्या आ गया जी 1 आ गया। अब देखो तो लेकिन अब जी एक्स में अगर इनफाइनाइट पुट करोगे जी एक्स, ये जी एक्स ना है तो जी एक्स का इनफाइनाइट पर लिमिटिंग वैल्यू निकालोगे तो इनफाइनाइट प्लस 4 इनफाइनाइट यानी ये 1 आ रहा है और ये इनफाइनाइट, तो 1 का पावर इनफाइनाइट के फॉर्म में हुआ कि नहीं हुआ, तो जब 1 का पावर इनफाइनाइट के फॉर्म में है तो इसको सॉल्व करने का तरीका हम क्या बताएं ध्यान से सुनो, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या बताएं बच्चे लोग, हम बताएं ना इसको क्या करते हैं सॉल्व करने का तरीका। देखो सॉल्व करने का तरीका ये है कि इस पावर को आगे मल्टीप्लाई कीजिए यानी एक्स प्लस 4 को आगे मल्टीप्लाई कर लीजिए, कर लिए बताओ, और अंदर जो एफ एक्स है उसमें से एक घटाइए बोले हैं, अरे लोल बोलो सब, तो एक्स प्लस 4 को आगे मल्टीप्लाई और एक्स प्लस 6 बाई एक्स प्लस 1 में से एक घटा देंगे, घटाएंगे ना बोलो कोई दिक्कत, अब इसमें घटा देंगे अब क्या आएगा देखना, अब एकदम वैसे ही सॉल्व करना है, अब यहां पर लिख देना है लिमिट एक्स टेंड्स टू, अब क्या लिख देना है यहां पर लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, लेकिन ये जो वैल्यू आएगा उसको किसके पावर में लिखना है ई के पावर में, इसलिए आगे ई लगा दिए, समझ में आया ना, पावर को आगे मल्टीप्लाई करो एफ एक्स में से एक घटाओ और जो वैल्यू आएगा लिमिट सॉल्व करने के बाद उसको ई के पावर में लिख दो। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको, तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा लिमिट ई टू द पावर एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, देखो यहाँ एक्स प्लस 4 इसको सॉल्व कर लो बच्चा लोग, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 6, देखो एलसीएम लोग यहाँ पर तो प्लस एक्स इधर जाएगा तो इधर माइनस हो जाएगा माइनस एक्स, अब प्लस माइनस माइनस इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया बाई नीचे कितना
एक्स प्लस वन। ए बच्चा तो प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, बोलो तो अब क्या आ गया बताओ तो, अब आ गया लिमिट e टू द पावर x टेंस टू इनफाइनाइट। देखो ए, अब कितना आ गया, छ में से गया पांच, तो पांच उसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 5x प्लस 20 हो जाएगा। ऊपर नहीं आया समझ में, ऊपर क्या आ जाएगा 5x प्लस 20 कैसे होगा समझ में आ रहा है भाई, छ में से गया पांच तो पांच पांच एक्स प्लस पांच होगा 20, और नीचे कितना x प्लस 1। अब देखो दोनों का, अब इसका वैल्यू निकाला जाए तो क्या होगा, तो यहाँ e लिख दो और ऊपर का डिग्री नीचे का डिग्री सेम है, देखो ध्यान से ऊपर का डिग्री 1 और नीचे का डिग्री 1 है ना, तो जब नोमिनेटर का डिग्री और डिनोमिनेटर का डिग्री सेम रहता है तो उसका कोफिशियंट आंसर हो जाता है, तो इसका कोफिशियंट, इसका कोफिशियंट 5 और इसका कोफिशियंट 1, तो 5/1 यानी e टू द पावर 5 आंसर। पहला क्वेश्चन कितना आंसर जी, e टू द पावर 5 आंसर। चलो अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखा जाए, देखो इसको बनाया जाए ना तो फिर वही काम, तो पहले देखो क्या 1 टू द पावर इनफाइनाइट के फॉर्म में है, बोलो क्या 1 का पावर इनफाइनाइट के फॉर्म में है, तो चेक करते हैं, तो देखो 0 पहले इसमें पुट करके देखो, इसमें बेस वाला फंक्शन में तो 0, 5 इंटू 0 0 और 3 इंटू 0 0 तो 1/1 बच रहा है, यानी एफ एक्स का लिमिटिंग वैल्यू 1 आ रहा है। अब यहाँ 0 पुट करोगे तो 1/0 इनफाइनाइट 1 टू द पावर इनफाइनाइट के फॉर्म में नहीं है क्या, अरे बोलो है कि नहीं, कैसे पता चल रहा है कि 1 टू द पावर इनफाइनाइट के फॉर्म में है, जीरो पुट करने का पता चल रहा है, एफ एक्स में 0 पर लिमिटिंग वैल्यू और जी एक्स में 0 पर लिमिटिंग वैल्यू, तो एफ एक्स का लिमिटिंग वैल्यू 1 आ रहा है और जी एक्स का लिमिटिंग वैल्यू इनफाइनाइट आ रहा है, तो फिर वही रूल अप्लाई करो, तो देखो इसको बनाएंगे सेम वही रूल, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या 1/x² को आगे मल्टीप्लाई कर लो और इसमें से अंदर में से घटा बोले है ना, तो 1+5x² अब नीचे कितना 1+3x², इसमें से एक घटा लो, घटा दिए और यहाँ पर लिमिट लिख दो, लिमिट x टेंस टू 0 इसको किसके पावर में, e के पावर में, अब इसको सॉल्व कर लो, तो देखो यहाँ लिख देंगे लिमिट x टेंस टू 0 लिखेंगे ना जी, आ यहाँ 1/x², अब इसको घटा लो, ये 1/x² होने दो, अब इसको 1+5x² यहाँ पर है, आ इसको इधर देखो नीचे 1 है तो इसको उधर मल्टीप्लाई कर, तो 1 × -1 -1 अब प्लस और माइनस माइनस 3x² × 1 3x², अब नीचे कितना है 1+3x², तो देखो तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 1/x² भाई प्लस 1 − 1 कट गया, अब 5x² में से 3x² गया तो 2x², अब भाई नीचे कितना 1+3x² होगा कि नहीं होगा, भाई x² से x² कट जाएगा और सब e के पावर में लिखना पड़ेगा, तो देखो बच्चा है, तो अब आ गया, देखो अब इस पर लिख दो e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0 और 2/ कितना 1+3x², अब x के जगह पर 0 पुट कर दो, पुट कर दे तो देखो है, तो e टू द पावर 2/ देखो है, और जब सॉल्व करेंगे तो x के जगह पर 0 पुट करेंगे लेकिन e के पावर में लग रख देंगे जो आएगा, बोलो ना लोल, तो 0 पुट करो तो 2/1 प्लस यहाँ 3 × 0 का स्क्वायर 0 यानी कितना हो गया e टू द पावर 2/1 यानी e टू द पावर 2 आंसर हो गया इस क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है चलो अब क्वेश्चन नंबर 3, हाँ सभी के पावर में जाएगा, देखो अब इस क्वेश्चन को देखो सेम, क्या ये 1 टू द पावर इनफाइनाइट के फॉर्म में है, चेक करो क्या ये 1 टू द पावर इनफाइनाइट के फॉर्म में है, दिख रहा है 1 टू द पावर इनफाइनाइट के फॉर्म में, कैसे पता चल रहा है इनफाइनाइट किस में रख रहे हो तो इनफाइनाइट हो जाएगा, बताओ कैसे 1 हो रहा है, बेस वाला फंक्शन का कैसे 1 होगा बताओ, मैं कह रहा है उसी पे करा रहा है तो हो गया, मतलब कॉस बताओ उसी पे करा रहा है तो हो जाएगा, बोलो आ देखो यहां पर इसलिए हो जाएगा कि देखो ऊपर का डिग्री 2 है नीचे का डिग्री सेम है, तो यहाँ 1 यहाँ 1 तो 1/1 सीधी सी बात है, बोले हैं ना इनफाइनाइट सब सीरीज पढ़ा चुके हैं तुम लोग यूट्यूब पर है, ठीक है सब पढ़ा दिए हैं, ठीक है ये कैसे 1 हो जाता है सब बताया है, ठीक है एक्स ऊपर का डिग्री नीचे का डिग्री सेम है तो उसका कोफिशियंट आंसर हो जाता है, तो ऊपर का डिग्री 2 है नीचे का डिग्री 2 है दोनों का तो डिग्री सेम है, तो x² का कोफिशियंट 1 और नीचे भी x² का कोफिशियंट 1 तो 1/1 1, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 आ रहा है, ऊपर इनफाइनाइट पुट कर दोगे तो 1 टू द पावर इनफाइनाइट के फॉर्म में नहीं आ रहा है क्या, अब इसको सॉल्व करेंगे
तो हम लोग देखो क्या करेंगे, ये x को आगे मल्टीप्लाई कर दो और अंदर में से घटा दो, तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, इसमें से घटा लो। यहां लिख दो लिमिट e टू द पावर x टेंस टू इनफाइनाइट, लिख देना। तो देखो अब लिखो लिमिट e टू द पावर x टेंस टू इनफाइनाइट, आई यहाँ x है तो x लिख दो, तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो माइनस x स्क्वायर माइनस x माइनस 3, अब आई नीचे x स्क्वायर प्लस x, देखो कौन कट रहा है, ये कट गया, प्लस 3 माइनस 3 कट गया, तो ये हो गया लिमिट e टू द पावर x टेंस टू इनफाइनाइट। अब 5x में से x गया तो 4x, तो 4x इंटू x 4x स्क्वायर होगा, 5x माइनस x 4x, 4x इंटू x 4x स्क्वायर, अब नीचे कितना है x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। अब देखो अब इस लिमिट को सॉल्व कर दो, इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज है, इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, e टू द पावर है, ऊपर का डिग्री सेम है, देखो इसमें या इनफाइनाइट है ना, तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ऊपर का डिग्री 2 और नीचे का डिग्री 2, दोनों का डिग्री सेम है, तो इसका कोफिशिएंट 4 है इसका 1, तो e टू द पावर कितना गया 4/1 एंड e टू द पावर 4 आंसर, नहीं हो गया e टू द पावर 4 आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बना सकते हैं नहीं बनेगा है? तो बताइए जी, चल बोलो, कोल्ड कॉफी के काम आएगा, घबरा कह रहा। देखो ध्यान सुनो, अब इसको सॉल्व करो, अब यहां सॉल्व कर लो, इनफाइनाइट यहां पुट करेंगे, 2 बाय इनफाइनाइट 0 तो यहां 1 बच गया, तो 1 टू द पावर क्या हो जाएगा, यहां इनफाइनाइट पुट, तो 1 टू द पावर इनफाइनाइट है, तो फिर वैसे ही सॉल्व करना है, आओ और अब बोर्ड पर बनाएंगे तो बनाओ, अब हाथ उसमें नीचे नहीं रखा जाता है, लिखने के क्रम में हाथ नहीं रखा जाता, एकदम ऊपर से ऐसे पकड़ो, ऐसे ऐसे, तू तो छोड़ दे, एकदम छोटा छोटा लिखने लगेगा ये, देखो लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है, और 1 प्लस 2 बाई x का होल पावर x है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले तो सुनो पहले मेरा बात, क्या 1 टू द पावर इनफाइनाइट के फॉर्म में है, इनफाइनाइट पुट 2 बाई इनफाइनाइट 0 तो 1 बच जाएगा, 1 का पावर इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से वही काम करेंगे, x को मल्टीप्लाई और 1 प्लस 2 बाई x है तो इसमें से घटा दो, होना गया, यहाँ लगा दो लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट आई e के पावर में, ही ना है, तो प्लस 1 माइनस 1 कट गया, अब देखो लिमिट e टू द पावर x टेंस टू इनफाइनाइट x इंटू 2 बाई x, तो x x कट गया, तो इसका वैल्यू हो गया 2, तो e टू द पावर 2 आंसर। चलो इसको देखो बच्चा, इस क्वेश्चन को देखो, तो इस क्वेश्चन को अगर बनाएंगे तो लिखेंगे लिमिट e टू द पावर x टेंस टू 0, ये भी 1 टू द पावर इनफाइनाइट के फॉर्म में है, ड्रॉप रख के देख लेना, ठीक है, तो 2 cot x आगे मल्टीप्लाई, 2 cot x आगे मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस साइन x माइनस 1, नहीं हो गया, इसको लिमिट e टू द पावर x टेंस टू 0 और 2 और cot x को क्या लिखेंगे, cos x बाई साइन x, नहीं लिखेंगे, cot x को cos x बाई साइन x लिख देंगे, आई 1 माइनस 1 कट गया इंटू कितना साइन एक्स, तो साइन एक्स से साइन एक्स नहीं कट गया है, तो इसका वैल्यू लिमिट e टू द पावर x टेंस टू 0 और 2 कॉस एक्स ना बच गया,
यहाँ पर रख दो जीरो एक्स के यहाँ पर, तो ई टू दी पावर टू और कॉस जीरो वन, यानी ई टू दी पावर टू आंसर नहीं हो गया। नेक्स्ट अब इसको बनाना है, इसको बनाना है ठीक है। इसमें देखो ये बच्चा लोग देखो तो इसको बनाना है, तो फिर वही है वन रखोगे ना यहाँ पर, थ्री इंटू वन थ्री, तो लॉग थ्री टू द बेस थ्री वन हो जाता है, और फिर यहाँ वन पुट करोगे तो लॉग थ्री टू द बेस वन, बेस में वन होता है तो इनफाइनाइट हो जाता है यानी अनडिफाइंड हो जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि वन टू द पावर इनफाइनाइट के फॉर्म में है। तो आगे मल्टीप्लाई कौन करोगे बोलो, लिमिट एक्स टेंस टू वन यहाँ ई टू द पावर लिख दो, लॉग थ्री टू द बेस एक्स को आगे मल्टीप्लाई कर लो, अंदर में से घटा लो, तो लॉग थ्री एक्स टू द बेस थ्री माइनस वन, अरे वही रूल कर रहा है, पावर को आगे मल्टीप्लाई करो अंदर में से घटा लो ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट ई टू द पावर एक्स टेंस टू वन, देखो लॉग थ्री टू द बेस एक्स, यहां लिख दो है, यहां ये मल्टीप्लाई में है ना, इसको लिख सकते हो लॉग थ्री टू द बेस थ्री और प्लस लॉग एक्स टू द बेस थ्री माइनस वन, नहीं लिख सकते हैं क्या? अरे मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई अगर किया था लॉग में मल्टीप्लाई में होता तो प्लस में होता है, तो लॉग एम इंटू एन क्या होगा, लॉग एम प्लस लॉग एन होगा, लॉग एम इंटू एन क्या हो जाएगा, लॉग एम प्लस लॉग एन, तो लॉग लॉग थ्री एक्स को लॉग थ्री प्लस लॉग एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दो लिमिट ई टू द पावर एक्स टेंस टू वन, ये हो जाएगा लॉग थ्री टू द बेस एक्स, इसका वैल्यू तो वन होता है, तो वन प्लस लॉग एक्स टू द बेस थ्री माइनस वन, तो माइनस वन और प्लस वन कट गया, तो ये आ गया लिमिट ई टू द पावर एक्स टेंस टू वन यहाँ लॉग थ्री टू द बेस एक्स इन टू लॉग एक्स टू द बेस थ्री है, तीसरा तीसरी वैल्यू सेम है तो वन होता है, इसका वैल्यू वन होता है क्योंकि तीसरा तीसरी सेम है, यहाँ थ्री यहाँ थ्री यहाँ एक्स यहाँ एक्स, तो हो जाएगा लिमिट ई टू द पावर एक्स टेंस टू वन आई, इसका वैल्यू वन होता है, इसका वैल्यू कितना जी वन, लॉग थ्री टू द बेस बेस एक्स इंटू लॉग एक्स टू द बेस थ्री, तो तीसरा तीसरी सेम है कि नहीं, तो जब भी तीसरा तीसरी सेम हो तो इसका वैल्यू वन होता है, तो इसका वैल्यू वन लिख देते हैं हम, इसका वैल्यू वन आ गया, तो ई टू द पावर कितना वन। नेक्स्ट इसको देखो, इसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट ई टू द पावर एक्स टेंस टू जीरो, कॉट एक्स आगे मल्टीप्लाई करो, अरे कॉस जीरो वन है, कॉट जीरो इनफाइनाइट, तो वन टू द पावर इनफाइनाइट के फॉर्म में नहीं है, हाँ तो यहाँ पर कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस वन, चलो इसको सॉल्व करो, कॉट एक्स को कॉस एक्स बाई देखो इसमें से माइनस कॉमन ले लो, लिमिट e टू द पावर x टेंस टू जीरो cos x, आए माइनस कॉमन ले लो आगे, तो हो जाएगा वन माइनस cos x, यहां फॉर्मूला लगाओ, वन माइनस cos x का फॉर्मूला कितना, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, यहाँ साइन एक्स का फॉर्मूला लगा दो, टू साइन एक्स बाई टू है इंटू कॉस एक्स बाई टू, भाई साइन एक्स बाई टू से स्क्वायर कैंसिल, दो से दो कैंसिल, तो देखो क्या बच गया, माइनस कॉस एक्स साइन एक्स बाई टू ऊपर, अरे नहीं बचा, और नीचे कॉस एक्स बाई टू, तो जीरो पुट कर लो ई टू द पावर, देखो यहाँ पर नीचे जीरो नहीं हो रहा है ना अब, तो जब डिनोमीटर जीरो नहीं आ रहा है, फंक्शन डिफाइंड है, तब जीरो पुट कर लो, जब जीरो पुट करो तो माइनस कॉस जीरो, बोलो माइनस माइनस और कॉस जीरो का वैल्यू वन होगा, आई हैव साइन जीरो बाई टू, तो साइन जीरो क्योंकि साइन एक्स बाई टू एक ऊपर बचा है ना, तो साइन जीरो जीरो, तो ऊपर वाला जीरो हो जा रहा है सब, तो जीरो ही हो जाएगा ना, तो ई टू द पावर जीरो हो गया, तो ई टू द पावर जीरो का वैल्यू कितना वन, और जीरो कहाँ हो जाएगा देखो ना, लो ले जीरो पुट करो तो साइन जीरो बाई टू, तो साइन जीरो जीरो तो पूरा जीरो, और साइन कॉस जीरो वन, तो जीरो बाई वन तो जीरो हो जाएगा, तो ई का पावर जीरो, लेकिन इसका वैल्यू क्या आएगा,
जीरो, तो ई का पावर जीरो, तो ई का पावर जीरो का वैल्यू कितना वन हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो तो इस क्वेश्चन को बनाया जाए। देखो ए का पावर एक्स प्लस बी का पावर एक्स प्लस सी का पावर एक्स, क्या वन टू द पावर इनफाइनाइट के फॉर्म में है बताओ तो? कैसे पता चल रहा है बताओ? वन टू एक्स के ऊपर जीरो रखेंगे, एक्स के ऊपर जीरो वन, बी के ऊपर जीरो वन, सी के ऊपर जीरो वन, तो वन प्लस वन थ्री बाई थ्री वन नहीं बजा रहा है, तो वही काम करो इसको बनाने के लिए। लिमिट e टू द पावर x टेंस टू वन बाई एक्स आएगा, मल्टीप्लाई कर दो, अलग अलग कर दो। देखो ए का पावर एक्स माइनस वन प्लस बी का पावर एक्स माइनस वन प्लस सी का पावर एक्स माइनस वन, अलग अलग है। देखो इस थ्री को तुम वन बाई थ्री इसमें एक्स लिखो, अदला बदली कर दो, थ्री को यहाँ कर दो एक्स पे यहाँ कर दो, आसान हो जाएगा। अब देखो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा लिमिट e टू दी पावर x टेंस टू जीरो वन बाई थ्री है। देखो अलग अलग a का पावर x माइनस वन बाई एक्स प्लस b का पावर x माइनस वन बाई एक्स और प्लस c का पावर x माइनस वन बाई एक्स। अब देखो फॉर्मूला लगा लो, अब वन बाई थ्री तो बाहर रखो, तो e टू दी पावर ऐसे लिखो कोई बात नहीं, तो इसका रख दो वैल्यू, रख देना वैल्यू, ये वन बाई थ्री तो वन बाई थ्री रखो। आ देखो ए इसका वैल्यू लिमिट x टेंस टू जीरो लॉग ए का पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स, लॉग ए होता है, इसका वैल्यू कितना होता है लॉग ए, इसका वैल्यू कितना होता है लॉग बी, इसका वैल्यू कितना होता है लॉग सी, नहीं हो जाएगा क्या? तो देखो भाई चलो ये क्या हो गया, तो देखो ई टू दी पावर वन बाई थ्री लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, तो लॉग ए इंटू बी इंटू सी लिख सकते हैं, लॉग ए इंटू बी इंटू सी, लॉग ए इंटू बी इंटू सी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि लॉग ए इंटू बी इंटू सी को लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी लिख सकते हैं। तो अब क्या होगा, वन बाई थ्री को आगे पावर में लेके चल जाओ, तो हो जाएगा ई टू द पावर लॉग ए बी सी का होल पावर वन बाई थ्री, अब बेस में ऑलरेडी होता है ई, ठीक है, तो ये दोनों बेस सेम है तो लॉग को लेके भाग जाएगा, तो क्या बच गया ए बी सी का होल पावर वन बाई थ्री आंसर। अब ई हो रहा है ना, केवल अब एक के बाद डंडा गिराएंगे बढ़िया से, ठीक है, सब नींद उन्द भाग जाएगा तुरंत, तो समझ रहे थो? देखो तो ए बी सी का होल पावर वन बाई थ्री आंसर आ गया, बोलिए क्या बोल रहे हैं, देखिएगा तो पूछिए डाउट है तो, ठीक है चलिए देखिए नेक्स्ट, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए तो क्या वन टू द पावर इनफाइनाइट के फॉर्म में है, चेक कीजिएगा तो वन टू द पावर इनफाइनाइट के फॉर्म में है, ये a पुट कीजिएगा तो a बाई ए वन, तो टू माइनस वन वन, और यहाँ a पुट कीजिएगा तो पाई ए बाई टू ए, तो a कर जाएगा तो टेन पाई बाई टू इनफाइनाइट, तो देखो अरे नहीं आ रहा इनफाइनाइट के फॉर्म में, तो जब लोल है सब रे, a बाई ए वन तो टू में से वन जाएगा तो वन, तो वन आ गया ये, और यहाँ a पुट करेगा तो a कट जाएगा तो पाई बाई टू बच जाएगा, तो टेन पाई बाई टू इनफाइनाइट, तो वन टू द पावर इनफाइनाइट के फॉर्म में नहीं हुआ क्या, हुआ ना वन टू द पावर इनफाइनाइट, तो देखो सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए
ई का पावर में लिख देना, टेन पाई एक्स बाई टू ए इंटू टू माइनस ए बाई एक्स माइनस वन। देखो तो लिख दो लिमिट ए टू द पावर एक्स टेंस टू ए, टेन कितना है यहाँ पर पाई एक्स बाई टू ए, दो में से क्या एक ना हो जाएगा कितना नहीं हो जा रहा है, नहीं हो रहा है। तो देखो है, इसको लिख दो देखो टेन पाई एक्स बाई टू ए है ना जी, टेन पाई एक्स बाई टू ए, इसको क्या लिखोगे एक्स माइनस ए बाई टू ए एंगल में ना है, एंगल में ना है वैसे ही थोड़ा रखेंगे, इसको सॉल्व करना है। लाओ दिखाना क्वेश्चन मिला लो एक बार, बोलिए 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 क्या चिंता कर रहे हैं। अरे यार हेलो खोलो इसको, नहीं खुल रहा ठीक से, भाग जा रहा है, भगाओ लास्ट वाला मिले जाओ। अरे देखो बच्चा लोग देखो तो थोड़ा है, इसको सॉल्व कर लो। देखो लिमिट एक्स टेंस टू ए हो गया, इसको पहले लिख दो एक्स माइनस ए बाई एक्स, क्वेश्चन सही है ठीक है वैसे ही है। देखो एक्स माइनस ए बाई एक्स है, यहाँ पर टेन पाई एक्स बाई टू ए है, ई का पावर लिख देना टेन पाई एक्स बाई टू ए। अरे एल हॉस्पिटल रूल भी इसमें लगाएंगे लेकिन जीरो बाई जीरो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म में ला के ठीक है। अच्छा चलो जल्दी जाना, जाओ बना बंद करो। देखो तो इसको लिखेंगे लिमिट
ई टू दी पावर एक्स टेंस टू ए, यहां पर x माइनस ए बाई एक्स, अब टेन पाई एक्स बाई ए है 2a, तो टेन को लिख सकते हैं हम कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा, यानी पाई एक्स बाई ए, पाई एक्स बाई टू ए। अरे कॉट को नहीं लिख सकते हैं, टेन को कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा, तो टेन को कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा, तो कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा टेन थीटा हो जाएगा फिर, और नीचे कुछ है नहीं, इतना ही है। देखो तो लिखेंगे लिमिट e टू द पावर x टेंस टू a, x माइनस ए बाई एक्स। तो देखो आई कॉट में यहाँ तुम कॉमन ले लो पाई बाई टू ए, इसमें पाई बाई टू ए कॉमन ले लो, पाई बाई टू ए, जब पाई बाई टू ए कॉमन लोगे तो यहाँ ए बच जाएगा, है पाई बाई टू ए कॉमन ले रहा है पाई बाई टू ए, तो यहाँ ए तो है नहीं, तो आखिर फिर मल्टीप्लाई होगा तो ए से एक और जाएगा, फिर पाई बाई टू आ जाएगा, माइनस पाई बाई टू ए कॉमन हो गया तो एक्स बच गया कि नहीं बच गया, अरे बोलो। अब देखो, अब इसको लिखेंगे लिमिट e टू द पावर x टेंस टू a, x माइनस ए या बाई एक्स। ए देखो कॉट को क्या लिख सकते हो, वन बाई टेन, इस कॉट को लिख दो वन बाई, कॉट को वन बाई टेन, वन बाई टेन लिख दो पाई बाई टू ए इन टू ए माइनस एक्स या एक्स माइनस ए माइनस एक्स, ठीक है, ए माइनस एक्स कर दिए। चलो कॉट पाई बाई टू है, तो कॉट को लिख दिया वन बाई टेन, आज बाकी जो है उसको लिख दिया ऐसा ही। तो देखो यहां से अब यहां पर हम लोग फॉर्मूला लगा लेंगे, देखो ए लिमिट e टू द पावर x टेंस टू a, x माइनस ए बाई एक्स इन टू ए, अब यहां पर भी लिमिट लगाओ, एक बार लिख देते हैं हम, देखो अब यहां लिख देंगे वन बाई टेन पाई बाई टू ए इंटू ए माइनस एक्स, तो टेन एक्स बाई एक्स, लिमिट एक्स टेंस जीरो, टेन एक्स बाई एक्स का वैल्यू वन होता है, यहां पर टेन पाई बाई टू ए इंटू ए माइनस एक्स, तो पाई बाई टू ए इंटू ए माइनस एक्स, एक बार क्या करो डिवाइड, एक बार मल्टीप्लाई, तो पाई बाई टू ए इंटू ए माइनस एक्स। तो देखो भाई एक्स माइनस ए है, यहाँ ए माइनस एक्स, तो एक्स माइनस ए है तो माइनस कॉमन ले लेता, तो ये क्या हो जाता ए माइनस एक्स, नहीं होता जी, तो भाई ए माइनस एक्स इससे कट जाता, वही वाला से कट जाएगा, अब कट जाएगा तो देखो इसका वैल्यू तो वन हो गया, लिमिट एक्स टेंस जीरो टेन एक्स बाई एक्स का वैल्यू वन, तो इसका वैल्यू कितना हो गया वन। यहाँ पर देखो यहाँ ए पुट कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो ई टू द पावर माइनस वन, यहाँ ए पुट कर देंगे ना, अरे बोलो माइनस वन, अब भाई यहाँ ए पुट कर देंगे तो बताओ, तो माइनस वन बाई ए, आप यहाँ पर एक मिनट, ये नीचे है, ये नीचे है पाई बाई टू ए नीचे है, तो टू ए ऊपर चल जाएगा, तो बताओ तो क्या हो जाएगा, तो टू ए ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस टू ए, हाँ माइनस टू ए ऊपर चल जाएगा, ए ना बच गया और ए माइनस एक्स तो कट गया, तो माइनस टू ए, अब पाई नीचे ना, टू ए ऊपर चल जाएगा, लेकिन यहाँ ए पुट करेंगे ना जी, तो टू ए ऊपर, तो ए को ए तो नीचे रहेगा ना, जैसे यहाँ ए पुट करेंगे तो ये रहेगा, आ यहाँ पर टू ए बाई पाई हो जाएगा, भाई ए से ए कट कट गया, तो आ गया ई टू द पावर माइनस टू बाई पाई आंसर, ठीक है, ई टू द पावर माइनस टू बाई पाई आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया जी, नाइन। चलो क्वेश्चन नंबर टेन, देखो क्वेश्चन नंबर टेन में देखो, इसमें फिर वही यहाँ डिग्री वन, यहाँ डिग्री वन, तो इसका कोफिशिएंट वन बाई वन, तो वन आंसर इसका, लेकिन यहाँ इनफाइनाइट एक्स की जगह पर इनफाइनाइट, तो वन टू द पावर इनफाइनाइट के फॉर्म में है ये भी, तो इसको सॉल्व करेंगे जब वन टू द पावर इनफाइनाइट के फॉर्म में है, तो कैसे सॉल्व करते हैं देखो, तो इसको भी क्या करें बताओ, लिमिट ई टू द पावर एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, एक्स आगे मल्टीप्लाई, तो एक्स प्लस फाइव बाई एक्स माइनस वन माइनस वन, मतलब पावर आगे मल्टीप्लाई करके एक घटा लिए, इसको लिख दिए लिमिट, हाँ तुम लोग कितना पढ़ रहे हैं हम देख रहे हैं, ठीक है, मेरा काम हो जा रहा है कि वीडियो बन जा रहा है, चल तुम लोग पढ़ चाहे मत पढ़, हमको पता है कितना पढ़ रहा है सब, ठीक है। ठीक है ये कर दे रहे हैं, तो देखो ये कितना आ गया,
लिमिट ई टू द पावर एक्स टेंस टू इनफाइनाइट प्लस एक्स माइनस एक्स पाँच एक छ तो छ एक्स बटा एक्स माइनस वन तो कितना आंसर। अब देखो इसमें वो दोनों का डिग्री सेम है या वन सिक्स बाई वन ना तो कितना ई टू द पावर सिक्स नहीं है क्या ई टू द पावर सिक्स हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो इस क्वेश्चन को तो फिर वही क्या वन टू द पावर इन्फाइनाइट के फॉर्म में है कैसे पता चला वन टू द पावर इन्फाइनाइट के फॉर्म में इसका डिग्री सेम है डिग्री टू तो इसका कोफिशियंट वन इसका कोफिशियंट वन बाई वन वन यहाँ इन्फाइनाइट पूरा तो वन टू द पावर इन्फाइनाइट के फॉर्म में है तो फिर इसको हम बनाएंगे तो वही फॉर्म में लिमिट क्या लिखोगे एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट पावर को आगे मल्टीप्लाई तो एक्स आगे मल्टीप्लाई यह एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फाइव और वन सब्ट्रैक्ट कर दो तो देखो फिर वही करेंगे यहाँ ई लिख देंगे लेकिन लिमिट ई टू द पावर एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट यहाँ एक्स है अब घटाओ ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री ये घटा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव ना भाई नीचे कितना एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फाइव ये ना हो गया तो देखो ये हो गया लिमिट ए टू द पावर एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट एक्स स्क्वायर कट जाएगा हाँ देखो भाई देखो भाई चार एक्स में से दो एक्स गया दो एक्स गुने एक्स तो दो एक्स स्क्वायर और तीन और पाँच आठ एक्स और नीचे कितना हो गया एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फाइव तो देखो ये आ गया इस टू बाई वन टू ना हो जाएगा रे तो ई टू द पावर इसका डिग्री टू इन्फाइनाइट रहता तो डिग्री सेम है तो टू बाई वन आंसर तो ई टू द पावर टू बाई वन यानी ई टू द पावर टू हो गया ई टू द पावर टू हो गया आंसर। देखो यानी ये हम लोग वन टू द पावर इन्फाइनाइट पर भी इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए ठीक है। अब देखो इसके बाद हम लोग पढ़ना है ओनली वन टू द पावर इन्फाइनाइट के फॉर्म में लगेगा और कहीं नहीं लगेगा ठीक है। वन टू द पावर इन्फाइनाइट के फॉर्म में लगेगा ठीक है। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है वन टू द पावर इन्फाइनाइट फॉर्म ये बताया है सब वीडियो में देख लेना सब ठीक है। ये बता दिया ना तो इस पर क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है जैसे लॉगरिथमिक लिमिट पढ़ लिए एक्सपोनेंशियल लिमिट पढ़ लिए अब पढ़ना है हम लोग को सैंडविच थ्योरम और एक इंटीग्रेशन पढ़ा देंगे तो पढ़ना है न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला आज इसमें एल हॉस्पिटल रूल हम पढ़ा चुके हैं एल हॉस्पिटल रूल पढ़ा दिया ना जी। इसके बाद मतलब न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला एगो है जो कि इंटीग्रेशन पढ़ने पर समझ में आएगा और एक आता है समेशन समेशन ठीक है लिमिट एज ए सम वो आता है वो भी मतलब इंटीग्रेशन आएगा तो समझ में आएगा और एक सैंडविच थ्योरम तीन गो टॉपिक है तीनों टॉपिक पढ़ना है तो अभी थोड़ा देर के बाद हम सैंडविच थ्योरम पढ़ा देते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे ठीक है।